हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो गाइस, दौलतराम कॉलेज के बाद नॉर्थ कैंपस के ही एक और कॉलेज हंसराज कॉलेज ने एडमिशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। फॉर्म कल रिलीज़ हुआ है और लास्ट डेट 17 है। डेट एक्सटेंड होती रहती है, तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्स के लिए। ये कॉलेज नॉर्थ कैंपस का बहुत ही फेमस कॉलेज है, पर इस कॉलेज में सिर्फ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये लैंग्वेजेस हैं। जिनको चाइनीज़, जेपनीज़, कोरियन करना है इस कॉलेज से नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉलेज में अवेलेबल नहीं है ये सारे लैंग्वेजेस। और मैंने वीडियो के लास्ट में लास्ट ईयर की थर्ड कट ऑफ लिस्ट ऐड कर दी है, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कितने परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिल सकता है हंसराज कॉलेज में। तो वीडियो स्टार्ट कर। तो गाइज, ये है हंसराज कॉलेज का फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन नोटिस, जिसको हम देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द एडमिशन टू पार्ट टाइम सर्टिफिकेट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पर्शियन एंड इंडियन लैंग्वेजेस, आसमीज एंड उर्दू विल बिगिन एज पर द नोटिफाइड स्केड्यूल पब्लिश्ड एट द कॉलेज वेबसाइट। तो इस कॉलेज में सिर्फ जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और पर्शियन ये सारे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और बात करें दूसरे लैंग्वेजेस की, चाइनीज, जेपनीज, कोरियन, तो वो इस कॉलेज में नहीं है। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द प्रोसीजर बाय मेकिंग रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट ऑफ ₹50 ऑनलाइन थ्रू नेफ्ट, IMPS, UPI इन हंसराज कॉलेज का जो भी अकाउंट है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट कर सकते हो ₹50 का। ये जो लिंक है आप इसको कॉपी कर सकते हो, यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर देना और उसके बाद से आप ₹50 डिपॉजिट कर देना। और नीचे आते हैं और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सर्टिफिकेट कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट्स हुए पास द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2, तो जिन्होंने 12th पास किया हुआ है वो एलिजिबल हैं। मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो कैंडिडेट्स हुए पास द सर्टिफिकेट कोर्स इन रेलिवेंट लैंग्वेज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। और दोज कैंडिडेट्स हु हैव कम्प्लीटेड द सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ और फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2020 और बिफोर आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द स्केड्यूल मेंशन बिलो। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है लेकिन आपका एक गैप ईयर है, आपने 2020 में पास आउट किया है, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। या फिर अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा ही नहीं है सर्टिफिकेट, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। एडवांस डिप्लोमा की बात करें तो कैंडिडेट्स हुए पास द डिप्लोमा कोर्स इन रेलिवेंट लैंग्वेज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका भी सेम यही है, अगर आपने डिप्लोमा कोर्स पास आउट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो। और दोज कैंडिडेट्स हुए कम्प्लीटेड देयर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ और फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2020 और बिफोर आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द स्केड्यूल मैंशन बिलो। तो फिर से वही बात है कि अगर आपने डिप्लोमा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है 2020 में या फिर उससे पहले आपका गैप ईयर है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। या फिर अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, किसी और यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही होगा। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास। तो ये सारे एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे। और 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स। एडमिशन कैलेंडर देखें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 3 से स्टार्ट हुआ है और 17 लास्ट डेट है। फर्स्ट एडमिशन कट ऑफ लिस्ट आपकी 18 अगस्त को ही आएगी, और अगस्त में आएगी। और आप एडमिशन कब तक ले सकते हो? 19-20-21 तक। और सेकेंड एडमिशन लिस्ट आएगी आपकी 25 अगस्त को, और आपके पास फिर से 3 दिन होंगे 26-27-28 एडमिशन लेने के लिए। और लास्ट थर्ड कट ऑफ लिस्ट आएगी 1 सितंबर को, और आप 2-3-4 तक एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट एंड एडमिशन डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। तो जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और एडमिशन डेट जो भी है वो बाद में बताया जाएगा, तो फिर से नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और फी स्ट्रक्चर देखें तो हंसराज कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फ़ी स्ट्रक्चर 9,800 है। स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अदर देन HRC 14,600 रुपीज़ होगी उनकी फ़ी। और ऑल अदर स्टूडेंट्स और जो भी बाकी जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कभी नहीं पढ़ा है, वो 14,800 उनकी फ़ी होगी। एबव फी इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो एग्जामिनेशन फ़ी आपका एग्ज़ाम के टाइम पे फिर से लगेगा, 5-600 लगता है वो। देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फ़ी इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन आफ्टर September 15। तो September 15 के बाद आप अगर एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। और द कॉलेज अथॉरिटीज़ रिजर्व द राइट टू रीस्ट्रक्चर द फी एंड रिफ्यूज़ द एडमिशन।
द कॉलेज रिजर्व्स द राइट टू विदड्रॉ अ कोर्स इफ लेस देन 15 स्टूडेंट्स ऑफ फॉर इट. तो अगर 15 स्टूडेंट्स से कम है तो कॉलेज कोर्स कैंसिल कर सकता है, पर इस कॉलेज में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये नॉर्थ कैंपस का बहुत ही फेमस कॉलेज है. द क्लासेज विल स्टार्ट टेंटेटिवली फ्रॉम 11/9/2021 फॉर सर्टिफिकेट कोर्सेज. तो सर्टिफिकेट कोर्स के जो क्लासेज है वो 11 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो सकते हैं. अगर एडमिशन सब हो गया तो हो जाएंगे. और स्केड्यूल फॉर कमेंसमेंट ऑफ डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा क्लासेज शैल बी नोटिफाइड लेटर. तो सिंस अभी रिजल्ट का आए नहीं है ना, जो हमने सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा का जिन्होंने भी दिया हुआ है, तो रिजल्ट तो अभी अवेटेड हैं. तो क्लासेज इसकी अभी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, लेकिन हाँ फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो. तो गाइज ये थी आपकी हंसराज कॉलेज की एडमिशन और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. अब देख लेते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ. तो फ्रेंड्स ये है हंसराज कॉलेज की थर्ड कट ऑफ लिस्ट. तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो कि आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं. तो फ्रेंच सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरल वालों के लिए अगर आपके 12th में 88% है तो आपका एडमिशन हो सकता है. UG 73%, PG 68%. SC ST देखें तो 12th 86%, UG 71%, PG 66%. OBC देखें तो 87%, UG 72%, PG 67%. और जो EWS कैटेगरी से हैं 12th 87%, UG 72%, PG 67%. और जर्मन सर्टिफिकेट देखें तो जनरल 12th 87%, जनरल UG 72%, जनरल PG 67%. SC ST 12th 85%, UG 70%, PG 65%. OBC 12th 86%, UG 71%, PG 66%. EWS 12th 86%, UG 71%, PG 66%. और लास्ट है हमारा स्पेनिश का. तो जनरल 12th 87%, UG 72%, PG 67%. SC ST के लिए 12th 85%, UG 70%, PG 65%. OBC के लिए 12th 86%, UG 71%, PG 66%. और EWS 12th 86%, UG 71%, PG 66%. तो जो भी इस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं आप एडमिशन ले सकते हो. लेकिन ये अभी ये कट ऑफ इस साल का नहीं है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो इस बात को आप ध्यान रखना. गाइस देखा आपने कि ये था हंसराज कॉलेज का सारा एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारा कुछ. अब इसके बाद जो भी कॉलेजेस फॉर्म रिलीज करेंगे मैं सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी. इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.